हाँ हेलो दोस्तों, कैसे? आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रो में कैसे पैसा इन्वेस्ट करें और सेल कैसे करें और कैसे बाई करें और म्यूचुअल फंड में या किसी भी इन्वेस्ट में किसी भी प्रोडक्ट को कैसे खरीदें कैसे बेचें। इसके लिए सिंपली आपको एक अकाउंट बना लेना है ग्रो को। आप अकाउंट नहीं बनाए हो तो अकाउंट बहुत ईजी है, मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे अकाउंट बनाए। इसके लिए सिंपली आपको सर्च करना हो, कुछ तो ऐसे ही देख जाएंगे प्रोडक्ट, कुछ तो जो लार्ज प्रोडक्ट है मतलब महंगे हैं मीडियम साइज़ के, और कुछ स्मॉल साइज के मतलब कुछ जैसे ऐसे होंगे कम पैसे में लगाए जाएँ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। तो आपको देखिए, जैसे मैं 2 प्रोडक्ट अपना होल्ड किया हूँ। यहाँ पर आप वॉच, ऋतिक वॉच, यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को वॉच कर सकते हैं, उस पर निगरानी रख सकते हैं। वॉच मतलब देखना होता है, किसी प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। स्प्रेड पे जाएंगे, जैसे मुझे किसी प्रोडक्ट को जोमेटो ख़रीदना है तो जोमेटो के बारे में पहले हम रिसर्च करेंगे, 1 वीक में कितना था, 1 मंथ में कितना था, 1 ईयर में कितना था, 5 ईयर में कितना था, मतलब जैसा इन्वेस्ट जिनका जाना रिफंड आए उसको ही आप ज़्यादा ही प्रिफेयर करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वो प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है, कोई बता दिया, अनजाने में बता दिया, तो आप प्रोडक्ट को कर लें। सिंपली आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना ज़रूरी है, प्रोडक्ट देख लेंगे कितना लॉस हुआ है, कितना क्या हुआ है। जैसे देखिए, प्रोडक्ट जोमेटो का लॉस में भी गया है, फायदे में भी गया है, तो आपको देखना 1 मंथ में कितना लॉस हुआ है, 1 ईयर में कितना हुआ, 5 ईयर में कितना हुआ, ऑल टाइम कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आपके सेल ऑप्शन आ गया बाई का, तो यहाँ पर सेल, अगर आप खरीद प्रोडक्ट पहले से बाई किए होंगे तभी आप सेल कर पाएंगे, नहीं तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप बाई करेंगे, यहाँ से बाई करेंगे, बाई करने के बाद यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको खरीदना है इतने रुपये का, तो यहाँ पर बाई करेंगे, ऐड द अमाउंट, अगर आप मनी अमाउंट करेंगे ऐड करेंगे जितना भी आपको करना हो, 100 से ज़्यादा ही आप कर सकते हैं। ऐड करने के बाद, ऐड करने के बाद ऐड पे जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से या पैसा आपके अकाउंट में इसमें आ जाएगा। ऐड करने के बाद यह प्रोडक्ट सिंपली आपका बाई हो जाएगा। बाई होने के बाद मैं देखिए आपको सेल मतलब बाई होने के बाद, जैसे कोई प्रोडक्ट है यस बैंक, मेरा इस समय यस बैंक में बहुत ज़्यादा लॉस चला है, तो मैं यस बैंक का सेल कर दूंगा, प्रोडक्ट को सेल कर दूंगा। तो मुझे कितने रुपए में करना है, तो मुझे एक क्वालिटी करना है, तो मेरे पास एक ही क्वालिटी मतलब एक ही अमाउंट है, क्वान्टिटी एक ही है, तो मैं एक ही सेल कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कितने अमाउंट में करना है आपको यहाँ पर डाल देंगे, तो अच्छी करके बाई वेरिफिकेशन करके आप छोड़ देंगे, क्योंकि मैं देखिए बेच नहीं सकता, बस 16 के और 25-24 के बीच में ही इसे सेल कर सकता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, आप इसे वॉच टाइम के लिए छोड़ देंगे, आप लगा देंगे, जब आपको इतने प्रॉफिट में आएगा तो आप इसे बेचेंगे, क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं चलना तो बेचना कोई फ़ायदा भी नहीं है और मेरा नुकसान ही, आप बेच भी सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। म्यूचुअल फंड SIP विथ 100, यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे, बहुत सारे ऑल द म्यूचुअल फंड, बहुत सारे आदित्य बिरला है, SBI SPI है, टाटा स्माल, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। HDFC बैंक है, HDFC बैंक जो है अभी 1 मंथ का मैं देखता हूँ, अभी 1 मंथ में जो अभी लॉस में गई है, तो 6 मंथ में देखता हूँ तो इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप ऐसे चेक कर लेंगे। आप चेक करके ही पैसा लगाएंगे, ऐसा ना कि आप लगाएं पैसा डूब जाए, आप अच्छे खासी रिसर्च कर लेंगे, क्योंकि HDFC बैंक में लोन ज़्यादा पास होते हैं। HDFC बैंक फाइनेंस है, HDFC म्यूचुअल फंड मतलब ऐसे होते हैं, म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है, लोन, फंड किसी को देना, फंड किसी को, फंड मतलब निधि, म्यूचुअल फंड निधि, ऐसे इसमें आएंगे। जैसे किसी बैंक से लोन दिया जाए किसी बैंक को, ऐसे ही बैंक आते हैं, ग्रो वॉल्यूम फंड, IPO। IPO क्या होता है, IPO मतलब किसी प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा लॉस हुआ कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे स्विगी का मैं देख ले रहा हूँ, इसमें स्विगी का जो प्राइस है, प्राइस
30 से 70 और 90 के बीच में है, लॉट साइज इतना है, इन्वेस्ट जो इतना हुआ है और इसकी जो कमाई है 11,327 करोड़ की इसकी कमाई है। तो आप इसमें एप्लीकेशन इसका देख लेंगे, प्राइस देख लेंगे कितनी इनकम हो रही है, कितनी आईपीओ देख लेंगे तो आईपीओ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना ज़्यादा इसका इनकम है, कितना ज़्यादा है। बोर्ड का देख लेंगे, बोर्ड का जो इस समय 2,000 करोड़ है, और देखिए इसमें मिनिमम साइज नहीं दे रहा है तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं, आप अच्छे खासे कर सकते हैं। पहले आप इस किसी भी प्रोडक्ट पे लगाएं, उसकी अच्छी खासी रिसर्च करें, ऐसा ना हो कि किसी पे लगा दें। मैं होल्डिंग किया हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर लगाया हूँ पैसा, वॉच मैं यहाँ से वॉच भी कर सकता हूँ, किसी पे निगरानी रख सकता हूँ कौन सा प्रोडक्ट कब आए। मैं जैसे इसको प्रोडक्ट को बाई करना चाहता हूँ, बाई, तो यहाँ पर डाल दूँगा एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, जितने आपको प्रोडक्ट खरीदना हो, जितने प्रोडक्ट आप खरीदना हो वहाँ से ऐड द मनी पर करेंगे और स्टॉक जितने भी होंगे आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। और देखिए आप कभी भी लगाएंगे तो 9 बजे से 5 बजे के बीच ही आपका पैसा इस पर लग बिका, और इसके बीच में आपका मतलब 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक आप 4 बजे या 5 बजे तक आप पैसे लगा सकते हो, उसके बाद आप पैसे इसमें नहीं लगा सकते, सिर्फ वॉच टाइम आप देख सकते हैं।